आगाज बड़ी और अहम खबर के साथ कर लेते हैं। बुलेटिन में इस वक्त की बड़ी खबर जो कि चंडीगढ़ से है, 510 प्राइवेट रोड परमिट दिए जाने के मामले को लेकर बड़ी खबर आ रही है। मामले में रेगुलर सुनवाई हाईकोर्ट करने वाला है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि प्राइवेट बस ऑपरेटर्स और कर्मचारी नेताओं ने याचिका दी थी हाईकोर्ट में, सरकार ने जानकारी दी। रूट परमिट के रेट्स को लेकर विजिलेंस जांच चल रही है। 22 जुलाई से रोजाना मामले की सुनवाई होगी। तो बड़ी और अहम खबर चंडीगढ़ से इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर 510 प्राइवेट रूट परमिट दिए जाने के मामले को लेकर अब जो सुनवाई है वो रोजाना हाईकोर्ट में होगी, रेगुलर सुनवाई की जाएगी। दरअसल प्राइवेट बस ऑपरेटर और कर्मचारी नेताओं ने याचिका दी थी और हाईकोर्ट में सरकार को जानकारी है वो देनी है। अब रूट परमिट के रेट्स को लेकर विजिलेंस जांच चल रही है, उसी को लेकर अब जानकारी जो है वो सरकार को देनी है। रूट परमिट के जो रेट्स हैं उसको लेकर विजिलेंस जांच, और अब 22 जुलाई तक बताया जा रहा है कि जो रूटीन सुनवाई है यानी कि रेगुलर सुनवाई है वो हाईकोर्ट इस पूरे मामले को लेकर करता रहेगा। तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त चंडीगढ़ से आपको बता रहे हैं, चंडीगढ़ से ये बड़ी और अहम खबर, जहां पर 510 प्राइवेट रूट परमिट दिए जाने के मामले को लेकर अब रोजाना हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। प्राइवेट बस ऑपरेटर और जो कर्मचारी नेता है उन्होंने इस पूरे मामले पर याचिका दे रखी थी, हाईकोर्ट में सरकार ने जानकारी दी। तो रूट परमिट के जो रेट्स हैं उसको लेकर विजिलेंस जांच चल रही है। जनरल ने कहा कि जो विजिलेंस की जांच चल रहा है उसके मुताबिक कार्रवाई हम आगे करेंगे, जिसमें कुछ समय और रख दिया दे दिया जाए। परंतु जो ट्रांसपोर्टर जिनको पहले 510 में जिनको लाइसेंस मिल गए थे, उन्होंने कहा कि हमने बसें खरीद ली और हमें बहुत नुकसान हो रहा है, तो इसलिए मामले का जल्दी फैसला किया जाए और इसमें जो भी होगा हो जाएगा विजिलेंस में। उन्होंने ये भी कहा कि विजिलेंस में तो कुछ पैसे का ही फर्क है कि 5-7-8 रुपये सस्ता सेकेंड टाइम लाइसेंस मिले तो उससे क्या फर्क पड़ता है। तो एस जी ने कहा कि नहीं, इतना ही नहीं है, परमिट के और टेंडर के लिए एप्लीकेशन कहाँ कहाँ कैसे लिए गए, क्या हुआ, उस पूरे मामले में भी सवाल है, उसका इंतजार किया जाए। परंतु जिनको लाइसेंस मिले थे 510 में से परमिट, उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे केस की सुनवाई की जाए, एडजुडिकेट कर दिया जाए, जो भी होगा ठीक है। तो अब कोर्ट ने सोमवार से रेगुलर 3 बजे हियरिंग का डे टू डे बेस पे हियरिंग द्वारा सुनने का शुरू किया। ज्यादा जानकारी के लिए राकेश गुप्ता जी हैं हमारे साथ। राकेश जी, रेगुलर सुनवाई हाईकोर्ट करने वाला है 510 प्राइवेट रूट परमिट दिए जाने के मामले को लेकर, और क्या कुछ ज्यादा जानकारी? बिल्कुल, देखिए आप जानते हैं कि किलोमीटर स्कीम के तहत प्रदेश सरकार ने जो स्कीम बनाई थी उसके तहत जो 510 लोगों ने बसें खरीद ली हैं, और इस पर जो है अब सुनवाई है। कोर्ट ने कहा है कि 22 जुलाई से रोजाना सुनवाई होगी। आप ये भी जानते हैं कि इस मामले में विजिलेंस जांच चल रही है और बस ऑपरेटर्स ने जो है अपने रोजाना का जो नुकसान हो रहा है उसको लेकर जो है राहत देने की कोर्ट में गुहार लगाई है, रिक्वेस्ट की है अदालत से। और आपको पता है कि कितना बवाल जो इस किलोमीटर स्कीम को लेकर हुआ और इसमें कितना बड़ा संघर्ष हुआ था, लेकिन उसके बाद अब ये कई जो कर्मचारी यूनियनों के नेता हैं उन्होंने कोर्ट में याचिका लगाई थी इस सरकार के इस फैसले के खिलाफ ज्यादा रेट दिए जाने को लेकर। लेकिन अब जो है कोर्ट ने सारे मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी रेगुलर यानी कि रोजाना सुनवाई करने का फैसला लिया है और ये रोज सुनवाई जो है 22 जुलाई से होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो रोजाना जो सुनवाई है वो 22 जुलाई से रोजाना की जाएगी।